subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news. नवी मुंबई खारघर में सेवा फाउंडेशन के संस्थापक राजेश श्रीवास्तव के माध्यम से मां सरस्वती पूजा महोत्सव 2020 का आयोजन उत्सव चौक खारघर सेक्टर 7 में 29 जनवरी को भव्य आयोजन किया गया है और इस मंच के माध्यम से उभरते कलाकारों को मौका दिया जाता है और खास तौर पे इस संस्था के माध्यम से सामाजिक क्षेत्रों में बड़ा योगदान दिया जा रहा है। इस प्रोग्राम की अधिक जानकारी देते हुए आयोजक राजेश श्रीवास्तव ने दी है किस तरह से इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया गया है और क्या उसका खास उद्देश्य है। नमस्कार, मैं राजेश श्रीवास्तव सेवा फाउंडेशन की तरफ से आप सबको सेवा फाउंडेशन के द्वारा आयोजित 5वीं सरस्वती महापूजा में, जिसे खारघर की देवी के नाम से जाना जाता है, जो पिछले 5 सालों से उत्सव चौक के पास जो म्यूजियम ग्राउंड है उसमें आयोजित किया जाता है, आप सबको निमंत्रित करता हूँ। और हमारी पूजा सिर्फ पूजा ही नहीं होती है, हमारी पूजा विविध तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम के साथ में सामाजिक भावनाओं के साथ जुड़ी है। हम यहाँ कोई राजनीतिक पृष्ठभूमि की तरफ से ये पूजा का आयोजन नहीं करते हैं, हमने सारे जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं सबको इनवाइट करते हैं, जो डिग्निट्रीज हैं उनको इनवाइट करते हैं, और उसके अलावा हमने जो फेलिसिटेशन का रखा है वो अलग अलग सेगमेंट से लोगों को हमने चुना है, जैसे सोशल वर्क फील्ड से चुना है, आरटी एक्टिविस्ट को चुना है जो समाज और देश के लिए काम करते हैं, हमने डिफेंस के लोगों को फेलिसिटेट करने का निर्णय लिया है जो देश और सीमा के लिए काम करते हैं, उसके अलावा एजुकेशन के फील्ड से कुछ लोग हमारे फेलिसिटेशन के लिए आ रहे हैं, और उसके अलावा बहुत सारे अलग अलग फील्ड हैं, जैसे कि कुछ टिफिन सर्विसेज है जो बुजुर्गों के लिए दी जाती है फ्री ऑफ कॉस्ट, उनको भी हमने बुलाया है जो 15 सालों से इस सेवा को प्रदान कर रहे हैं। और खारघर की देवी आज 5 सालों से ये पूजा हम कर रहे हैं, और लगभग खारघर ही नहीं पूरे नवी मुंबई और मुंबई में लोग खारघर की देवी को आज जानते हैं, और बड़ी तादाद में बड़ी संख्या में लोग यहाँ उपस्थित होते हैं, लगभग 8 से 10 हज़ार आम जनता यहाँ पे आती है। एक सार्वजनिक पूजा होती है, ये किसी पर्टिकुलर स्टेट या किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज के लिए नहीं होता है, और हमने खासकर इसका आयोजन इसलिए भी करते हैं कि जो सरस्वती माता है जो विद्या और बुद्धि की देवी है, तो इसलिए हम यहाँ पे जो स्टूडेंट्स हैं उनको फेलिसिटेट करते हैं, उन्हें मोटिवेट करते हैं। इस बार भी हमने रखा है जो भी स्टूडेंट्स 90% से ऊपर मार्क्स उन्होंने गेन किया है उनको हमने फेलिसिटेशन के लिए यहाँ बुलाया है, और इस कार्यक्रम का खास आकर्षण यह है कि एक बहुत बड़े कलाकार अंजन श्रीवास्तव जी, जो थिएटर और फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे भाषाओं में उन्होंने काम किया है, वो भी यहाँ आ रहे हैं, यहाँ के प्रशासनिक लोग भी यहाँ आ रहे हैं, और मैं बताना चाहता हूँ कि आज के जो न्यू सेंसेशन है सिंगर शिवम पाठक, जिन्होंने पद्मावत जैसी हिट पिक्चर में खली वाली सॉन्ग और एक दिल एक जान का गाना गाया है, वो मशहूर सिंगर भी आ रहे हैं यहाँ पे। तो आप सबसे पुनः एक बार मैं निवेदन करता हूँ कि इस कार्यक्रम में आप ज़रूर भाग लें, अपने बच्चों के साथ, अपने फैमिली के साथ, अपने परिवार के साथ, अपने दोस्तों के साथ यहाँ ज़रूर आए और इस कार्यक्रम का आनंद लें। धन्यवाद। नमस्कार, जैसा कि हमारे इस प्रोग्राम का हम लोगों ने टाइटल दिया है खारघर की देवी, आप सभी लोगों को शायद पता नहीं होगा लेकिन मैं जानकारी के लिए बता देता हूँ, खारघर जो है टाउन है पनवेल शहर में, एक एजुकेशनल हब है, और एजुकेशनल हब होने के नाते शिक्षा की जो देवी है माँ सरस्वती, उसके पूजन उत्सव का कार्यक्रम आने वाले वसंत पंचमी के दिन हम लोग कर रहे हैं, जो दिनांक 29 जनवरी 2020 को है। अब माँ सरस्वती का पूजन उत्सव का कार्यक्रम है और खारघर जो एजुकेशनल हब है, इसलिए सभी भक्तों ने इनको एक टाइटल दिया हुआ है खारघर की देवी, तो कहीं ना कहीं पूरे खारघर की ये देवी है, इसमें कोई शक नहीं कि पूरे ब्रह्मांड की देवी है, लेकिन खारघर एक एजुकेशनल हब होने की वजह से इनको ये टाइटल दिया गया है। ये प्रोग्राम खारघर में लगभग 15 से 20 वर्षों से कंटिन्यू हो रहा है, इस साल हम लोगों ने इसको काफ़ी भव्य स्वरूप में करने का हम लोगों ने लक्ष्य निर्धारित किया, जिसकी वजह से हमारे जितने स्वयंसेवक कार्यकर्ता और हर सोसाइटी में हर घर तक इन्विटेशन लेके जा रहे हैं। जैसा कि मैं बताया कि खारघर की देवी माँ सरस्वती पूजन उत्सव का कार्यक्रम है, तो माँ के लिए सारे बच्चे भक्त हैं, सारे बच्चे हैं, तो उसके लिए हम पॉलिटिशियन और कुछ VIP आ ही रहे हैं, लेकिन हमारा पर्सनल इनविटेशन होता है, हर घर में जाके हम लोग अपना इनविटेशन दे रहे हैं ताकि हर घर के लोग आए और माता जी का पूजन अर्चन करें और उनसे आशीर्वाद लें, और ज्ञान आशीर्वाद लेने के साथ उनको प्रसाद के स्वरूप में ज्ञान मिले। साथ ही साथ में हम लोगों ने खारघर जो लोकल एरिया है यहाँ पे जितने बहुत सारे ऐसे प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं जो अच्छे गाते हैं, अच्छे
नृत्य करते हैं कि कोई अच्छा कुछ परफॉर्म करता है, लेकिन क्या होता है ना कहीं उनको प्लेटफॉर्म नहीं मिल पाता है। तो हम लोग एक काम कर रहे हैं कि सांस्कृतिक कार्यक्रम के तहत उनको एक प्लेटफॉर्म देने का भी काम कर रहे हैं। मंच पे अगर कोई समझिए गायक है जिसको कहीं कुछ मौका नहीं मिल रहा है और वो 10,000 क्राउड के सामने अगर वो गा रहा है तो कहीं ना कहीं हम लोग उसको एक सपोर्ट कर रहे हैं, उसके कॉन्फिडेंस बिल्डअप कर रहे हैं ताकि वो लोगों के सामने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सके और कहीं ना कहीं उसको एक मंच मिले जिसकी वजह से उसका भविष्य काफ़ी सुनहरा हो। तो मैं चाहूँगा कि आप सभी लोग जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं चाहूँगा कि आप लोग सब परिवार आइए, माँ सरस्वती का पूजन अर्चन का कार्यक्रम है जो उसमें सब परिवार सम्मिलित हुई है, मित्र मंडली के साथ में है और प्रसाद के स्वरूप में महाप्रसाद भोजन का भी आयोजन किया गया है। मैं फिर से दोहराना चाहूँगा, खारघर की देवी माँ सरस्वती पूजन उत्सव 2020 का कार्यक्रम खारघर के उत्सव चौक के पास में सेक्टर 7 में किया गया है। 29 जनवरी 2020 को एक कार्यक्रम है। मैं चाहूँगा सभी लोग सपरिवार मित्र मंडल के साथ आइए, माँ सरस्वती का दर्शन करके पूजा अर्चना करके प्रसाद का लाभ लीजिए। धन्यवाद, नमस्ते। हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम पाठक, सिंगर ऑफ खली बली एंड एक दिल एक जान फ्रॉम मूवी पद्मावत एंड आई एम कमिंग ऑन 29th of January फॉर खारघर की देवी माँ सरस्वती ऑर्गेनाइज्ड बाय सेवा फाउंडेशन। सी यू ऑल देयर, थैंक यू सो मच। आवाज टुडे ब्यूरो रिपोर्ट। Subscribe to Awaaz today. Click on the bell icon for latest national and international buzzing news.